एक एनजीओ के जिले के 5000 बेरोजगारों को शिक्षक बताने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एनजीओ विवेकानंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने बीते 4-5 महीने से जिले के सभी गांवों में वार्ड स्तर पर जाल फैलाकर बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जल्द कठोर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ट्रस्ट ने खुद को सामाजिक सरोकार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में प्रचारित किया है। खुद को शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था होने का दावा, आवेदकों से 1,500 रुपए जमा कराया और वेतन मिलने का भरोसा भी दिलाया गया। क्षेत्र में ये ठगी का पहला मामला नहीं है। ठग हर बार क्षेत्र में कोई नया पैतरा अपना कर युवकों को अपना शिकार बनाते हैं। खुद गया था सर, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है सर? नियुक्ति किए एक एक पंचायत में कितने होंगे? अपने पंचायत में 3 टीचर है सर। क्या किए फिर उन लोग को नियुक्ति के लिए? नियुक्ति के लिए जो सर लोग बताए थे उसी अकाउंट नंबर में डालते थे सर। कितना? एक जन ने 1,550 रुपये। लेकिन मैं संस्था के अकाउंट नंबर मेरे को दिए नहीं थे सर, लेकिन तो इसके लिए मैं जितना भी है पैसा जितना लोगों का लिया था 1,550, तो उनका जो पैसा है ना मैं हुचंद जी को हैंड टू हैंड दिया था और बाकी कुछ जाने का उसका कोई स्लिप स्लिप मिला आपको? सर नहीं मिला सर, और बाकी कुछ लोगों का उनके खाता में ट्रांसफर किया था सर मैंने 21 लाख का टोटल। लोगों से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें शिक्षक बनाने के नाम पर विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 1,500 रुपए जमा कराने की बात कही गई है। आवेदकों को बयान के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया है जिस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।